नहीं तो ऐसा है बहू जी, ये तो धूप के चाहते हो। एक मिनट, ऐसे नहीं, आप बोलते कुछ करते कुछ। आप अपनी नाक कटवा लेते हैं, फिर आप नाक की सर्जरी करवाने जाते हैं तो दाग तो रह जाते हैं, दाग बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे से आप चर्चा करो ना, मेरे से जो कह रहा हूँ मैं तो तब भी पक्ष में हूँ, अभी भी पक्ष में हूँ। क्यों लिया? एक मरतबा तो कहते हैं कि न हम सरकारी बंगला लेंगे, न हम सरकारी गाड़ी लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे किसी प्रकार की, क्योंकि हम आम हैं। आम अब आप खास हो गए सर, आप एक बात बताएं, आम अब खास हो गए और यहाँ पर आपको गुजरात में क्या तकलीफ है जो आपने यहाँ ये दुकानदारी खोल के रखी है? बताइए मुझे, बताइए क्या तकलीफ है? बताइए, आपको नहीं है तो उसमें हम बताइए। जितना पानी आप वहाँ भी देने की बात कर रहे हैं, गुजरात में हजारों लीटर बगैर पैसा भी दिया जाता है, पानी की समस्या नहीं होती। हाँ तो और क्या क्या समस्या बताइए? पहले जो सालों को उसमें आने की क्या जरूरत थी? मेटाडोर में रिक्शा में बैठकर आने की क्या जरूरत थी उनको? मेट्रो में, हाँ मेट्रो में, मेट्रो की पूरी ट्रेन 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया, स्पेशल ट्रेन लगवाई उन्होंने। लोगों के सामने आपकी नौटंकी खुली हो गई और ये दुकानदारी बंद करो। जो मंत्री लगाते हैं 100 करोड़ के सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, क्यों आप दुकानदारी लेके बैठे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? अच्छा शीला दीक्षित के खिलाफ आप बोल रहे थे कि शीला दीक्षित जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पहले दिन वो जेल की हवालात खाएगी, क्योंकि ये बिजली नहीं पहली बात पहले दिन, क्योंकि ये बिजली कंपनियों से मिली हुई है, पानी वाली कंपनियों से मिली हुई है और इनको हवालात खिलवाएंगे। और अब क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं? हर्षवर्धन जी कोई सबूत है तो लाए, आप सबूत लेकर तो घूम रहे थे, बैग लेकर कहाँ गए सबूत आपके?